सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी क्रिकेट जगत की सभी खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साल 2019 में विश्व कप हारने के बाद भारतीय टीम में अब तक कई बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। बात चाहे भारतीय टीम के बैटिंग ऑर्डर की हो या फिर गेंदबाजी के डिपार्टमेंट की, भारतीय टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है तो वहीं अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर भी बिठाया गया है। इसका सीधा सा उदाहरण है महेंद्र सिंह धोनी का टीम में न होना और उनकी जगह ऋषभ पंत को मिलना। दोस्तों, जैसा की हम सभी जानते हैं की ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराधिकारी माना जाता है। कप के बाद से धोनी टीम का हिस्सा नहीं है और लगभग हर एक मुकाबले में ऋषभ पंत ने ही भारतीय टीम की विकेट कीपिंग व बल्लेबाजी की जिम्मेदारी को संभाला है। तो कई क्रिकेट प्रेमियों व दिग्गजों का यह भी मानना है कि ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी जैसे नहीं बन सकते। साथ ही अभी ऋषभ पंत के पास महेंद्र सिंह धोनी जैसे गुण भी नहीं है और सौरभ गांगुली का भी मानना है कि ऋषभ पंत को अगर धोनी जैसा बनना है तो उन्हें समय लगेगा, शायद 10 से 15 साल भी लग जाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस जो कि सारे देश में चल रही है वह यह है कि आखिरकार खराब प्रदर्शन के बावजूद ऋषभ पंत को टीम में लगातार मौके क्यों दिए जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम खास तौर पर आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिरकार कौन वह शख्स है जिसके कहने पर बीसीसीआई के चयनकर्ता शायद ऋषभ पंत को लगातार खेलने के मौके दे रहे हैं। पहले तो दोस्तों आपको यह बता दें कि ऋषभ पंत के अलावा भारतीय टीम के चयनकर्ताओं के पास ईशान किशन व संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को आजमाने का मौका भी है। परंतु फर्क सिर्फ इतना है कि बीसीसीआई के चयनकर्ता ऋषभ पंत को ज्यादा मौके दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार ऋषभ पंत को मौके इसलिए भी ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि ऐसा महेंद्र सिंह धोनी का मानना है। ऋषभ पंत ही आगे चलकर भारतीय टीम के बेहतरीन विकेट कीपर व बल्लेबाज की भूमिका निभा पाएंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक रिपोर्ट के अनुसार यह धोनी का ही मानना है कि ऋषभ पंत को ज्यादा मौके दिए जाएं। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर धोनी टीम का हिस्सा बने तो फिर ऋषभ पंत का टीम में क्या काम, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के पास ऐसा अनुभव है जो कि भारतीय टीम को किसी भी मुकाबले में जिता सकता है। अगर ऋषभ पंत की बात करी जाए तो ऋषभ पंत ने अपनी इमेज एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में सबके सामने पेश करी है, चाहे आईपीएल की हो या फिर घरेलू टूर्नामेंट्स की। ऋषभ पंत अपनी अच्छी बल्लेबाजी के बलबूते पर ही भारतीय टीम में जगह बना पाए हैं। सच तो यह है कि विश्व कप के बाद लगभग कुछ ही मुकाबलों में ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी करके दिखा पाए हैं। यही वजह अब इतनी बड़ी बन गई है कि सभी चाहते हैं कि ऋषभ पंत हर मुकाबले में तो टीम का हिस्सा ना बने। अब अगर महेंद्र सिंह धोनी का ही मानना है कि ऋषभ पंत को ज्यादा मौके दिए जाने चाहिए तो बीसीसीआई के चयनकर्ता भी ऋषभ पंत को आगे बढ़कर खेलने का मौका जरूर देंगे। हालांकि दोस्तों, यह रिपोर्ट कितनी सच्ची और झूठी है इस बात का खुलासा तो केवल बीसीसीआई के चयनकर्ता ही कर सकते हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जब हाल ही में धोनी से यह पूछा गया था कि वापसी को लेकर उनका क्या विचार है तो उन्होंने कहा था कि जनवरी तक तो वह कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मैं दोस्तों, यह बात तो साफ है कि जनवरी के महीने में तो ऋषभ पंत ही भारतीय टीम की विकेट कीपिंग बल्लेबाजी का मोर्चा संभालेंगे। सवाल तो यह उठता है कि अगर साल 2020 में भी ऋषभ पंत का प्रदर्शन उतना ज्यादा उम्दा नहीं रहा तो क्या T20 विश्व कप को देखते हुए धोनी की टीम में वापसी होगी या फिर नहीं। न तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी वापसी को लेकर कुछ कहा है और न ही अपने संन्यास की घोषणा करी है। हाल ही में तो महेंद्र सिंह धोनी रांची में प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए थे। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी का ऋषभ पंत को अपनी जगह पर खिलाना सही है या गलत, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।